नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीही, शाही बीही। इसके लिए हमने ये बीही ले लिया है। इसको हम छील के छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। बीही को हमने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। अब हम इसको उबाल लेंगे। हमने एक कुकर में पानी ले लिया है, उसमें हम डालेंगे ये कटे हुए बीही के पीसेस। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सब्जी में बनाएंगे उस समय डालेंगे, थोड़ा अभी डाल देंगे उबालते समय। और अब हम इसको प्रेशर कुक के लिए रख देंगे करीब से करीब 2 सीटी। बीही उबाल लिए हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए प्याज, 2 मैंने इनको काट लिया है, टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची और शाही है तो लगेगा काजू। हम सबसे पहले प्याज को भून लेंगे। उसके लिए एक पैन में हमने तेल डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे प्याज जो कि काट के रखी है। प्याज को हम भून लेंगे। जब तक प्याज भून जाती है तब तक हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम मिक्स के पॉट में डालेंगे टमाटर जो काट के रखे हुए हैं, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। इसको हम पीस लेंगे। काजू भी हम इसमें भिगा के रखे थे वो डाल देंगे। इन सब का हम बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर, काजू, मिर्ची और अदरक चारों को मिलाकर हमने पेस्ट तैयार किया है। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, नमक स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप कम ज़्यादा कर, आप स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैंने मिक्सी के पॉट में ही काफ़ी मसाला चिपका हुआ था तो उसी में पानी डाल के मैं डाल दे रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा उबाल आने देंगे। बीही में उबाल आने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए बीही। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर हम इसमें ढक्कन लगा देंगे ताकि थोड़ा ग्रेवी भी सूख जाए और जो इसका रसा है वो बीही के अंदर चला जाए। का रस एक सार हो गया, सब्जी बन के तैयार है। अब हम इसमें आखिरी में डालेंगे किचन किंग। शाही है तो किचन किंग के बिना भला कैसे चलेगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका स्विच ऑफ कर देंगे। इसको हमने गार्निश किया है थोड़ा क्रीम के साथ। शाही भी बन के तैयार है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कृपया कमेंट्स करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप भी बनाइए, खाइए और बताइए। यह पौष्टिक सब्जी आयरन। धन्यवाद।